यस बरखा जी, यू कैन आस्क। यस सर। सर थोड़ा सा ये जो अभी मार्केट का ट्रेंड है, दो हम सारे स्टडीज से कर रहे हैं, पर कई जगह सर स्टॉक में ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मैं बाइंग वो करती हूँ वो ड्रॉप आउट हो रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा रुकूं कि नहीं रुकूं। जैसे अभी कोची शिपयार्ड में ही अच्छा था, मेरा एक टारगेट लगा हुआ था 500 समथिंग रुपीस का, तो मैंने बाय जब तक करने की कोशिश करी वो और नीचे चला गया, तो मैं फिर लास्ट अभी रुक गई। मैं कहा सर से एक बार पूछूं कि ऐसे इसमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए? मतलब काफी अच्छी रैली शो की ही है इसने। हाँ, सर सेकंड अगर शायद इसका फाइनेंशियल तो देख चुके हैं ना एक बार। सर फाइनेंशियल देख चुके हैं, आपने मुझे बोला था फाइनेंशियल में कुछ खराब सा नहीं दिखा मुझे। नहीं, गुड इनफ है, कुछ खराबी नहीं है बस। हाँ खरा एक्चुअली मेन यही देखते हैं कि जो अपने पास फंडामेंटल में है आपने हमें दिया है उसको एक रिव्यू करना कि कुछ उसमें खराब तो नहीं हुआ। इस सेक्टर में सर एक अदानी पोर्ट में मैंने कर रखा है। हाँ हाँ, अदानी पोर्ट में तो मैंने भी कर रखा है। हाँ सर। अदानी की सिर्फ एक वही कंपनी है जिसमें मेरा पैसा है और हाँ कुछ। मेरा भी एक अदानी पोर्ट में है। और एक अदानी का सर आपने क्या बोला अभी? मैं कह रहा हूँ अदानी की सिर्फ एक वही कंपनी है जिसमें मेरा पैसा है और किसी में जी जी नहीं। सर, मेरा भी सिर्फ अदानी, क्योंकि बाकी के लिए तो आपने हमें बताया था, तो फंडामेंटल वाज नॉट गुड, बिल्कुल तो हमने बिल्कुल। बाकी में नहीं किया, पर इसमें किया है और ये अच्छा है। इस सेक्टर में दो ही है, तो अदानी पोर्ट और कोची शिपयार्ड। तो लेकिन इसमें सर देखिएगा आप, रैली भी है इनके पास। जी, तो आप तो देखो दो चॉइस हैं, तो अभी बाय कर सकते हो या यूजुअली जो ट्रेंड होता है चीजें 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आती हैं, तो या तो यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वही से मुझे बस जहां आपने पॉइंट किया ना मुझे वही लग रहा है, तो मैंने एक्चुअली वहां पे कर लेना चाहिए था मुझे। आप देखिएगा अगर ग्रीन कैंडल के हिसाब से तो, पर ठीक है, मुझे लगा कि और ड्रॉप डाउन हो गया तो वी कैन वेट। हाँ मतलब अपने अकॉर्डिंग हल्का सा कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेटेजी आई है तो हल्का सा कर दो, बाकी बाद में करो। इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस वो तो तरीके देखो से भी किया जाए हल्का सा ह्यूमन सेंटिमेंट तो हमेशा रहेगा इन्वॉल्व। सर, वो तो क्या, इट्स हार्डली, ये तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। हम लोग बिल्कुल सबको न्यू ईयर छुट्टी मनाने के लिए दे रहे हैं कि शॉपिंग करके जाओ, अभी बेचने का बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरे बिल्कुल, हाँ सही बात को तो यही लगा, है। हम लोगों को मूवमेंट करना था, तो हमने कहा ये यार लैपटॉप लेके घूमना पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं शॉपिंग डन, जीटीटी हाँ लगा के शॉपिंग करो, सेलिंग का अभी कोई ऑप्शन नहीं आएगा टिल द टाइम। मुझे लगता है अभी 10-15 डेज तो ये मूवमेंट रखेंगे, सेंटिमेंट से खेलेंगे, चाहे वो जी कोविड का हो चाहे कुछ भी हो, फेड का हो, बिल्कुल सारा सेंटिमेंट से खेल रहे हैं सर। मैंने जी जी बिल्कुल सर सर यही क्वेश्चंस थे मेरे, एक त्रिवेणी पे थे, आपने क्लियर कर दिया जैसे सर। और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट कमिंग वीक, क्योंकि आपका सेशन मिस करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं, मैं सेक्शन लूंगा नहीं, मुझे भी न्यू ईयर पे तो चेक करना है। ठीक मैं अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं आपको मतलब आपसे बात करते करते मेरे पास जितना ये डाउट सेशन में, अगर मैं 20 मिनट आज लेट हुई तो आई वाज सो पिस्ड ऑफ कि मैं क्यों हुई हूँ, और मुझे क्या इसी में से आपसे ये मिल जाता है कि नेक्स्ट वीक मुझे क्या बाय करना है। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर, थैंक यू बिल्कुल सो मच फॉर योर लवली सेशन। इतना लिस्ट मिल जाता है कि पैसे कम पड़ जाते हैं सर। थैंक जी, थैंक यू जी, वेलकम। यू, थैंक यू।